इंतखाब में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। अब तक की गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग की शाइस्ता परवेज मलिक का पलड़ा भारी। पीपल्स पार्टी के असलम गिल दूसरे नंबर पर। हतमी नताइज से पहले ही लीगी मतवालों का जश्न शुरू। हल्का एन ए 133 के इलाके मरियम कॉलोनी में पोलिंग के दौरान पीपल्स पार्टी नून लीग के कारकुनान आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। लीगी कारकुनान की जानब से पीपल्स पार्टी कारकुनान पर धावा बोला गया। हसन मुर्तजा का इल्जाम। लाहौर में एन ए 133 जिमनी इलेक्शन के दौरान वीडियो शेयर करने पर DRO का नोटिस। फोटो लेने वाले वोटर को गिरफ्तार करने की हिदायत। शाइस्ता परवेज मलिक ने भी पोलिंग स्टाफ के खिलाफ रिटर्निंग ऑफिसर को दरखास्त दे दी। हल्का एन ए 133 में पोलिंग के दौरान टर्नआउट कम। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी परेशान। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का भी टर्नआउट कम होने पर इजहार तशवीश। हम अम से भी जीतेंगी और लड़कर भी। पीटीआई एनए 133 के जिमनी इलेक्शन में हिस्सा लेती तो पता चलता। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा की हल्के में दौरे के मौका पर मीडिया से बातचीत। सानहा सियालकोट में मुलव्वस मजीद 6 मरकजी मुलजमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इश्ताल अंगेजी फैलाने वाला मुलजिम अदनान इफ्तखार भी कानून के शिकंजे में आ गया। पुलिस तर्जमान के मुताबिक अब तक 124 जेर हिरासत अफराद में से 19 मुलजमान का मरकजी किरदार सामने आया है। पुलिस ने वाकई की मुकम्मल फुटेज हासिल कर ली। प्रियंका कुमार की मैयत कल श्रीलंका रवाना की जाएगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज करने की हिदायत। कहा, अफसोसनाक वाकये में मुलविस मुलजिमान किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। तफ्तीश को साइंसी अंदाज से आगे बढ़ाया जाए। सियालकोट में फैक्ट्री के प्रोडक्शन मैनेजर मलिक अदनान की एक और वीडियो मंजर आम पर आ गई। मलिक अदनान मुश्तल हजूम से पुरम रहने की अपील करते रहे लेकिन किसी ने एक ना सुनी। वजीर आजम का मलिक अदनान को तमगा शुजात देने का ऐलान। कहा, श्रीलंकन मैनेजर को बचाने के लिए जिंदगी खतरे में डालने वाले मलिक अदनान की बहादुरी को सलाम पेश करते हैं। सियालकोट में हुजूम के हाथों श्रीलंकन शहरी की हलाकत पर मुतासर खानदान शिदत गम से निढाल। इंसाफ की फराहमी और मुलजिमान को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा। वजीर इत्तला फवाद चौधरी का कहना है, सियालकोट वाकये पर हम सब मुत्तहिद हैं। वाकये से हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया। सियासी जमातों की लीडरशिप भी इस खतरे से निपटना चाहती है। शाहिद खाकान अब्बासी की जेर सदारत PTM की स्टीयरिंग कमेटी ने लॉन्ग मार्च और इस्तीफों से मुतालिक सिफारिशात तैयार कर ली। PTM के सरबराही इजलास में कल पेश की जाएंगी। किसी में जुरत नहीं कि हमारी हुकूमत गिरा सके। वजीर दिफा परवेज खट्टर का पेशावर में तकरीब से खिताब।
कहा कोई इन हाउस तब्दीली नहीं है, सप्लाई और डिमांड बराबर हो जाए तो महंगाई की सूरत हाल बेहतर होगी। एमकेएम वफ्द की मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मुलाकात, एपीसी में शिरकत की दावत दे दी। आमिर खान ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने बलदियाती निजाम से मुतालिक बिल पर मुशावरत नहीं की, सिंध हुकूमत ने जाली अक्सरियत से बिल मंजूर कराया। मोहम्मद जुबैर बोले, विफाक जो फंड सिंध को देता है वो पैसा कहीं लगता नजर नहीं आ रहा। क्या सिंध के लोग मुहब्बे वतन नहीं, इनको सेहत कार्ड क्यों नहीं मिला? उमरकोट में जलसे से खिताब के दौरान विफाकी वजीर मुराद सईद का सवाल, बोले गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं 2023 में सिंध में भी तब्दीली आएगी। तहरीक इंसाफ ने तूफान बदतमीजी बरपा किया हुआ है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आप जितनी गालियां देंगे हम उतने ही सवाल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कराची ग्रीन लाइन मंसूबे का 10 दिसंबर को इफ्तिताह करेंगे। विफाकी वजीर मनसूबा बंदी और तरक्की असद उमर ने ट्विटर पैगाम में खुशखबरी सुना दी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं बलूचिस्तान में सेहत का निजाम तबाह है, गवादर में एक माह से एहतजाज जारी है, हुकूमत ने उनकी आवाज नहीं सुनी, पाकिस्तान की तामीर में बलोचों ने अहम किरदार अदा किया। झंग थानी लंगराना के इलाके में मुखालिफिन की फायरिंग से असिस्टेंट कमिश्नर जाबहक इमरान जाफर को 4 माह कबल मनकीरा से जंग में तैनात किया गया था। बलोचिस्तान के इलाके आवरान में लाइट वेट जहाज हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, इंस्ट्रक्टर पायलट काजी अजमल जांबहा, तैयारे का मलबा और पायलट की लाश मिल गई। जर्मनी से कराची पहुंचने वाला नौजवान एयरपोर्ट से पुरइसरार तौर पर लापता, 26 साल रेहान अताउल्ला 3 रोज कबल भाई की शादी पर कराची पहुंचा था। जहलम की तहसील दीना में पिकनिक पर जाने वाली तालिबात की गाड़ी बेकाबू होकर पुल से नीचे गिर गई, 2 तालिबात और 1 खातून टीचर मौके पर ही दम तोड़ गईं। बिहाड़ी में कादियाजम के मुजस्मे से ऐनक चोरी करने का वाकया, न्यूज वन की खबर पर वजीर आला पंजाब उस्मान बुजार का नोटिस, कमिश्नर मुल्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर का 50वां यौम शहादत, मेजर अकरम शहीद ने 1971 की जंग में जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए दुश्मन को नाकोचने चबवाए और वतन पर कुर्बान हो गए। मुल्क में महंगाई का राज बरकरार, इतवार बाजार भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम, आवाम की हुकूमत को दुहाइयां, कराची में चिकन मटन तो दूर की बात, सब्जियों की कीमतों को भी पड़ लग गए। बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशन्स को मालियाती वसाइल तसलसल के साथ दिए जाते हैं, तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान मिशन्स को माली मुश्किलात से मुतालिक सोशल मीडिया की खबरों में कोई सदाकत नहीं। डाउन द विकेट एंड हीज प्लेड दैट ब्यूटीफुली, हीज नोज दैट लॉट ऑफ स्पेस इज अवेलेबल। ढाका टेस्ट के दूसरे रोज बारिश की आंख मचोली, सिर्फ 6 ओवर्स के बाद खेल खत्म, पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 188 रन बना लिए। बारिश के दौरान मेजबान खिलाड़ी शकीब उल हसन की ग्राउंड में शानदार डाइव, कौमी खिलाड़ियों ने ड्रेसिंग रूम को ही मैदान बना लिया। ओ,
और सिंध में सिंधी कल्चर डे भरपूर अंदाज से मनाया गया। मुख्तलिफ शहरों में सियासी समाजी तंजीमों की जानिब से रैलियां निकाली गई। मंचलों का सकाफती रक्स, मारूफ गुलकारों ने भी शुरका का खूब लहू गरमाया।